एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। रिएक्शन करने लगी हूँ एक वीडियो पर जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, साथ कुछ बहुत सी नई चीज़ें भी पता चलेंगी। ये वीडियो है लॉरेंस बिश्नोईज सीक्रेट प्लान फॉर सलमान खान। सो सलमान खान को धमकियाँ मिलती रहती हैं। क्यों धमकियाँ मिलती हैं ये मुझे लगता है कि एक बहुत पुराना एक केस था शायद, जिसकी वजह से वो जेल भी जो है वो चक्कर लगते नहीं है, उसकी वजह से अभी तक धमकियाँ भी मिलती हैं। सो लॉरेंस बिश्नोई कौन है, उसको मतलब क्यों धमकियां दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है सलमान खान से, मुझे पीछे की कहानी भी शायद पता चले कि लॉरेंस बिश्नोई क्यों है, वो एक गैंगस्टर क्यों बनना उसने चूज किया। सो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊँ चीज़ों को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड लेट्स प्ले द वीडियो। 25 साल पुरानी बात है। 1998 में राजस्थान के जोधपुर में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अच्छा, ये 1 और 2 मूवी अक्टूबर की राजस्थान रात में को शूट हुई इस थी? घने जंगल में अचानक एक बिना छत वाली जीप रुकती है। इसमें हम साथ साथ हैं मूवी के एक्टर्स मौजूद हैं। ड्राइवर सीट पर सलमान खान, साइड में सैफ अली खान, पीछे वाली सीट पर तीनों एक्ट्रेसेस तब्बू, सोनाली अच्छा, बेंद्रे पूरी और नीलम कास्ट। कोठारी। कथित आरोप है कि सलमान खान ने जोधपुर के कंकाणी गाँव के इस जंगल में 2 ब्लैक बक्स यानी कि काले हिरणों का शिकार किया और हाँ, इसका ये मुझे परिणाम पता ये है। हुआ कि जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना है जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। आज 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि जो सलमान खान 5 साल पहले ब्लैक बक कोचिंग केस की सफाई कुछ ऐसे देते थे। अब मैं चाहता हूं कि आज जनता के सामने एक बार ये बताएं कि आखिर किस्सा क्या था, हुआ था। इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर कोर्ट में और जीतेंगे कोर्ट में, क्योंकि सर केस खत्म हो गया है, आज अभी भी उनके चल रहा है, आई थिंक शूटिंग खत्म तक हो ये चुका हालत है। कैसे हुई? मेरे सलमान भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफ कर दो भैया, मैं ये लो लो भाई, मैं ये राखी सावन का तो अलग ही चलता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एक जेल में बंद बैठा हुआ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आखिर कैसे सिद्धू मूसेवाला को जान से मरवा सकता है, कैसे इंडिया में 1000+ शूटर से कनेक्टेड है और कैसे बैंकॉक और थाईलैंड तक यही इसकी मेरा भी ब्रांच फैली क्वेश्चन हुई है, कैसे? लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक स्टूडेंट से गैंगस्टर कैसे बन गए। एग्जैक्टली यही मैं देखना चाह रही हूँ। फिरोजपुर पंजाब के एक गाँव में लॉरेंस का जन्म हुआ। लॉरेंस के पिताजी हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे और 1997 में रिटायर होकर खेती का काम संभालने लगे। एक साल बाद अक्टूबर 1998 में अब लॉरेंस 5.5 साल का हो गया है और ऑब्वियसली उसे कोई अंदाजा भी नहीं है कि एलिजिडली जोधपुर में इस दौरान सलमान खान 2 ब्लैक बक्स का शिकार कर रहा है। वो और 5 साल का था साल जब बाद का किसी वाकया ये, बॉलीवुड ओ के माय भाईजान गॉड। को मारना उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद रह जाएगा। खैर, 12th मतलब पास एक बच्चे करके को क्या 2010 में समझती लॉरेंस यार। बिश्नोई डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में लॉ में ग्रेजुएशन करने के लिए चला गया। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 10वीं में लॉरेंस बिश्नोई एक लड़की को काफी पसंद करता था और 12th पास करते करते ये रिलेशनशिप में आ चुके थे। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई ने अकेले नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही एडमिशन लिया था आगे की पढ़ाई के लिए। कॉलेज में काफी पॉपुलर होने की वजह से लॉरेंस ने स्टूडेंट सिलेक्शन में खड़ा होने का डिसीजन लिया और अपनी पार्टी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, यहां तक तो सब ठीक चल रहा था। लॉरेंस की मुलाकात हुई गोल्डी ब्रार से। ये वही गोल्डी ब्रार है जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी ली थी और पुलिस के अनुसार फिलहाल कनाडा में बैठे बैठे ही इंडिया में अपनी गैंग्स रन करता है। खैर, काफी मेहनत के बाद भी लॉरेंस ये इलेक्शंस हार गया और चूंकि अपोजिशन पार्टीज के बंदों के साथ उसकी दुश्मनी चलती ही रहती थी, इसलिए उसने एक गन खरीद ली। लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी कॉलेज में बढ़ती गई और जनवरी 2011 में धीरे धीरे इस दुश्मनी ने शूट आउट और गैंगवार का रूप ले लिया। इस शूट आउट की वजह से उस पर FIR हुई। ये सारी जो चीजें हैं वो कॉलेज के पॉलिटिक्स से स्टार्ट हुई। के अपराधी का रूप तब लिया जब इसकी गर्लफ्रेंड को अपोजिशन पार्टी वालों ने जिंदा जला दिया। बस अब क्या था, दहशत की दुनिया में हो चुकी थी। बदला लेने के लिए उसने अपने कनेक्शंस बढ़ाने शुरू कर दिए। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। जैसे जग्गू भगवानपुरी और रॉकी फेजलका के साथ उसने हाथ मिला लिया, वो कांड करता, पकड़ा जाता, जेल जाता और कनेक्शंस की मदद से छूट जाता। ये होता रहा, होता रहा, होता रहा। लेकिन एक दिन राजस्थान पुलिस के साथ शूट आउट में उसे धर दबोचा गया और जयपुर में स्थित जवाहर सर्किल पुलिस थाने में बंद कर दिया गया। तब से लेके आज तक लॉरेंस बिश्नोई का अलग अलग जेलों में ट्रांसफर किया जाता रहा है, लेकिन है वो पुलिस की गिरफ्त में ही। अब इससे पहले आगे वो पुलिस के पास है लॉरेंस बिश्नोई जेल में और वो सलमान खान को मारने की प्लानिंग कैसे कर रहा है। ज्यादा हाँ। जरूरी ये समझना है कि सलमान खान की जान लेने के लिए वो इतना कमिटेड क्यों है। देखो लॉरेंस बिश्नोई, इसके सरनेम पे फोकस करो। बिश्नोई, बिश नोई, 20 9
जी हाँ, ये बिश्नोई कम्युनिटी 20 और 9 यानी 29 नियम को फॉलो करती है। मान्यता यही है कि असली बिश्नोई वो ही है जो इन 29 रूल्स को फॉलो करता हो। इन 29 रूल्स में से कुछ रूल्स ये भी हैं कि दारू नहीं पीनी है, अमावस्या को व्रत रखना है, नीले कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, सुबह सूर्योदय होते ही नहाना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जानवरों और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इसलिए वो जानवरों की वजह से जो है इतना ज्यादा एक हिरण को स्तनपान करा रही है। ये ब्लैक बक्स आपके और मेरे लिए एनिमल्स हो सकते हैं लेकिन बिश्नोई समाज के लिए पालतू और पूजनीय है। लोग इस बात के लिए बिश्नोई को प्रेज भी करते हैं। अंडरस्टैंडेबल। दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का गम मालूम नहीं था, सदियों से ये मेरा बिश्नोई समाज के लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिए। ये कम्युनिटी ब्लैक बक्स को बच्चों की तरह पालती है और दुखद तौर पर अच्छा इसलिए वो इतने सेंसिटिव हैं ब्लैक बक्स के लिए। बच्चों का यानी काले हिरणों का शिकार किया है। बट वेट, क्या सलमान खान ने सच में शिकार किया था? चलो ब्लैक बक पोचिंग केस में आपको विटनेस साइड की स्टोरी दिखाता हूँ। बात राजस्थान के जोधपुर में कंकाणी गाँव में 25 साल पहले 1998 में 1 और 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि की है। छोगा राम जी को अचानक 2 गोलियां चलने की आवाज आती है। आज चांदनी रात है। आपने सबको कोर्ट में पहचाना, लाइट में देखा था आपने? हाँ, लाइट में देखा। तो ये सलमान खान ने गोली चलाई है। चांदनी रात थी। गोलियों की आवाज सुनकर छोगा राम जी बाकी लोगों को लेके लाठी डंडों के साथ मौकाए वारदात की जगह पर दौड़ के पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें जिप्सी दिखाई दी जिसमें 7 लोग बैठे हुए थे। मौके पे पहुंचते ही जैसे ही गांव वालों को वहां मरे हुए हिरण दिखाई दिए तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि इन जिप्सी वालों ने इनका शिकार किया है। गुस्से में आके गांव वालों ने लाठी डंडे बरसाने शुरू किए तो जिप्सी में बैठी लेडीज चिल्लाने लगी और ड्राइवर ने चिल्ला के उनको चुप करवाया। कुछ एलिजेड रिपोर्ट्स इतनी प्रिसाइज भी हैं कि तब्बू चिल्ला रही थी और सलमान खान उनको चुप रहने के लिए बोल रहे थे। तब्बू का कार्टून बिल्कुल तब्बू जैसा है यार। नंबर नोट कर लिया और ये बहुत बड़ी दिक्कत बनी सलमान खान के लिए। अब जिप्सी का नंबर पुलिस थाने में दिया गया तो पता चला कि जिप्सी किसी यादव साहब के नाम पे है। यादव साहब से पूछताछ करने पर पता चला कि उन्होंने अपनी जिप्सी किराए पे दे रखी है किसी फिल्म यूनिट को। उन्होंने डिटेल में बताया कि जोधपुर के किसी पैलेस में एक फिल्म की शूटिंग चलते कुछ एक्टर्स रुके हुए हैं। उस फिल्म की टीम को ये जिप्सी किराए पे दी गई थी। पुलिस को सब लोग इन्वॉल्व हैं। शूटिंग तो फिलहाल हम साथ साथ हैं मूवी की चल रही है। फर्दर इंक्वायरी से पता चला कि जिप्सी की जिम्मेदारी हरीश दुलानी नामक व्यक्ति को दे रखी थी जो कि उसका ड्राइवर था। इस हरीश दुलानी को अच्छे से देख लो, ये इस कहानी का मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसने ही सबकी धोती खोली थी। सारे राज कोर्ट के सामने इसने ही बताए थे। इसने ये भी बताया था कि सिर्फ 1 और 2 अक्टूबर को ही नहीं, उससे पहले सितंबर 1998 के लास्ट वीक में भी सलमान खान ने 2 बार हिरणों का शिकार किया था। दुख की बात तो ये है कि फिलहाल इसकी हालत ये है। क्या आपने देखा था? क्या आपको लगा कि सलमान ने शिकार किया था? आपने क्या वो बोला था? काफी लोग जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए ही जाते हैं। तो टिप्पणी करने में मेरी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? अब नहीं है, डर लगता है भाई। वो इसलिए क्योंकि इसके परिवार वालों को लगातार धमकियां तक मिली हैं। इसी समय आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जीप में जो 7 लोग मौजूद थे उसमें जो पीछे 2 मेल्स बैठे थे उनमें से एक था ये हरीश दुलानी और दूसरा था दुष्यंत सिंह जो एज अ गाइड काम करता था उस होटल में जिस होटल में ये लोग रुके हुए थे। उसके बाद कई बार सलमान खान हियरिंग्स के लिए कोर्ट जाते रहे, जेल भी गए लेकिन बेल मिलती रही। लेकिन फाइनली 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा सुना दी गई और ₹10,000 का जुर्माना लगा दिया गया। परंतु बिश्नोई कम्युनिटी जिस बात से आज तक नाराज है वो साल के लिए वो थे जेल में। जेल जाने के एग्जैक्ट 2 दिन बाद यानी 7 अप्रैल 2018 को सलमान खान को बेल मिल गई और केसेस यूं ही कोर्ट में घूमते रहे। ऐसे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कानून अगर वो 5 साल की सजा पूरी हो जाती तो आई थिंक फिर धमकियां शायद वो ना देता लॉरेंस। सिक्योरिटी आपकी तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का घर में मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे जब पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। मत करना यार। बिश्नोई तो जेल में बंद है लेकिन अपने राइट हैंड गोल्डी ब्रार और गैंग मेंबर्स के साथ कनेक्टेड रहते हुए सलमान खान को जान से मारने की इसकी प्लानिंग काफी स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल है। सलमान खान को मारने की सबसे पहली कोशिश इसने 2019 में की थी जब गैंगस्टर संपत नेहरा को इसने मुंबई भेजा था। संपत नेहरा को जब पुलिस ने पकड़ा तो पता चला कि उसने काफी टाइम तक गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की लेकिन हथियार की रेंज कम होने की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। सलमान खान को मारने की दूसरी कोशिश इसने 2022 में की थी जब कनाडा में बैठे गोल्डी ब्रार ने एक शूटर को मुंबई भिजवाया और हमले की साजिश करने के लिए मुंबई में उसे एक कमरा
दिलवाया। सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की गई। फार्म हाउस के गार्ड से शूटर ने दोस्ती तक भी कर ली थी, हर मूवमेंट पर नजर थी, लेकिन सलमान खान के साथ हैवी सिक्योरिटी होने की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। इसके अलावा सलमान खान के पिताजी सलीम खान जिस पार्क में वॉक के लिए जाते थे, उस पार्क की बेंच पर उन्हें धमकी भरी चिट्ठी भी मिली थी। चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि तेरा सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल कर देंगे। और सबसे लेटेस्ट यानी 22 मार्च 2023 को सलमान खान को ईमेल के जरिए धमकी मिली है, जो कि रोहित गर्ग नामक व्यक्ति ने भेजी है और गोल्डी ब्रार ने भिजवाई है। अगेन वही सेम बात लिखी है कि या तो माफी मांग ले या जान जाएगी। ये माफी मांगने वाला मसला ये है कि लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि मैं सलमान खान की जान नहीं लूंगा, माफ कर दूंगा और यहां तक कि उसके पैर भी पकड़ लूंगा अगर सिर्फ और सिर्फ हम बिश्नोइयों के मुक्तिधाम मुकाम मंदिर में जाके वो माफी मांग ले। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का, बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले। देखो ये है वो मुक्तिधाम मुकाम मंदिर जो कि राजस्थान में बीकानेर जोधपुर स्टेट हाईवे के पास स्थित है। खैर धमकियां मिलने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से सलमान खान को वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है। आर्म्स लाइसेंस के अंडर एक पर्सनल रिवॉल्वर उनके पास है और निसान की हाई सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर अपग्रेड कर लिया गया है। वाई प्लस सिक्योरिटी का मीनिंग है कि इसमें 11 सिक्योरिटी पर्सनल इन्वॉल्व होंगे जिसमें से 2 PSO इसलिए सलमान खान हर टाइम बहुत हाई सिक्योरिटी में हर जगह पे जाते हैं और 1 या 2 NSG कमांडोज भी रहेंगे। कहानी का तात्पर्य ये है कि सलमान खान माफी मांगने के लिए रेडी है नहीं और लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है तो उससे पीछे हटने की उम्मीद कर भी नहीं सकते। एलिजिटली जहाँ पे सलमान खान ने ब्लैक बक्स को मारा था वहाँ बिश्नोई समाज ने ऐसा स्मारक बनवा दिया है। और लॉरेंस बिश्नोई के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू ये भी है कि कथित तौर पर वो एक देश प्रेमी है। जब छोटा था तो गाँव में बच्चों को नशा करने से रोकता था, गाँव के बच्चे को नशा करने के लिए वो बहुत रोकता था, कोई गलत काम करने के लिए रोकता था, एक उसका बोलने का ढंग बहुत अच्छा था। शहीद भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानता है और कहता है कि अगर जेल से छूट गया तो गायों की सेवा करेगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे। और कोई मैं समझ रही हूँ उसको। फिलहाल हम सब के लिए जरूरी बात ये है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स के क्राइम्स को ग्लोरीफाई ना किया जाए और देश का युद्ध इस दिशा में ना बढ़े। और दूसरी सोचने वाली बात ये है कि हमारा सिस्टम इतना ज्यादा फ्लॉड है कि पुलिस की निगरानी में जेल में बैठे बैठे ही ये मुझे समझ नहीं आया यार, इतने स्ट्रिक्ट जेल में कैसे कोई किसी से कॉन्टेक्ट कर सकता है? फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है आपके सबके पास फोन ना? नहीं नहीं फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं। दीवार के ऊपर से? ओके तो दीवार के ऊपर से फोन जब वो ले रहा होता तो कोई देखता क्यों नहीं है, मतलब पुलिस को नजर क्यों नहीं आता? जो उसकी हिस्ट्री सुनी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो छोटा था, वो 5 साल का था जब ये वाकया हुआ था, तो ये वाकया उसके दिमाग में शायद तब ना होता, लेकिन जब वो उसने कॉलेज के इलेक्शन लड़ने स्टार्ट किए थे और जो एक ब्रूटल एक्ट हुआ था उसकी गर्लफ्रेंड को जो जिंदा जला दिया था, दिस इज वेरी शॉकिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और जिसने ये वीडियो बनाई है उसका तरीका बहुत अच्छा है वीडियो बनाने का, क्योंकि हर चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना, इट्स लाइक अ स्टोरी और इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सजेस्ट करते रहिए किस पर रिएक्शन करूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।